मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है। मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ यहाँ, संध्या नाम की लड़की। मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया। उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दें एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं, और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप में शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत झूठ सह लिए आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय दो तीन दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं, 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो।